अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्लाह के करम से। आज व्लॉग की शुरुआत मैं शेरी के वक्त से कर रही हूँ और ये है मेरा शेरी। और शेरी में है शाही टुकड़ा जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और शाही टुकड़ा घर में बना था, मम्मी बनाई थी। अच्छा, मैंने जुमे को भी व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। सुबह से मैंने एक दो क्लिप लिया था लेकिन फिर पढ़ना लिखना भी रहता जुमे के दिन, कुछ टाइम नहीं मिल पाया, फिर आगे व्लॉग नहीं बन सका। तो इसीलिए मैंने आज सैटरडे से व्लॉग बनाना स्टार्ट किया शेरी के वक्त से। और फिर कुछ सुबह भी क्लिप नहीं ले पाए हम, फिर असर के वक्त से स्टार्ट किया था क्लिप लेना। इधर देखो, हाय, कहाँ हो? बोल दो नन्ना। कहाँ है बाबू? बोल दो नन्ना। नन्ना, अच्छा तुम लोग कुछ काम से बाहर आए थे तो फिर हम लोग सोचा साधे के घर भी आ जाए। तो यहाँ आप थोड़ा सा 10 मिनट बैठेंगे फिर जाएंगे बाहर। गाड़ी है कहाँ? आरे स्टार्ट कर दो। अच्छा, जब बाहर निकलेंगे तब आप लोग से मिलते हैं। पर आ गए थे हम कुछ फ्रूट बोल रहे सॉरी सब्जी लेने के लिए, वेजिटेबल्स। बस ये अपना पैक हो रहा है। टमाटर बहुत फ्रेश है आजकल, एकदम फ्रेश। पटल अभी। और यहाँ मैं बाजार से कुछ सब्जियाँ लेके आ गई थी क्योंकि आज घर में बन रहा था चिकन सैंडविच, जैसे कि शिमला मिर्च नहीं था घर में तो वो लेने गई थी। और फिर फ्रूट्स भी ले लिया था साथ ही साथ। और यहाँ मैं जल्दी जल्दी से आगे काम कर रही थी क्योंकि एकदम टाइम नहीं मिलता। असर से मगरिब कब हो जाता है समझ ही नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने फ्रूट्स कट कर लिए, फिर उसके बाद घर थोड़ा सा क्लीन कर लिया क्योंकि जितना बार भी घर साफ करो ना, पता नहीं कौन फैला देता। मेरे घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है लेकिन तब भी फैल ही जाता है घर, एकदम मैसी मैसी सा हो जाता है जो एकदम अच्छा नहीं लगता। हमको लगता है थोड़ा थोड़ा देर में क्लीन होता रहे घर। और फिर उसके बाद हम चिकन भी लिया था, बोनलेस चिकन था। चिकन को अच्छे से पानी में बॉईल कर दी थी। चिकन का कीमा मैंने नहीं लिया था क्योंकि हमको चिकन का कीमा अच्छा नहीं लगता है। बोनलेस ले लो, पीस कटवा लो और उसको अच्छे से बॉईल करके उसको उसका रेशा रेशा रहता है उसका सैंडविच अच्छा लगता है। कीमा में थोड़ा सा घिन आता है। घर में मेरा फ़ोन रखा हुआ था, बच्चा लोग अपने से वीडियो बनाए हैं। ये वीडियो देखिए। अच्छा, यहाँ प्याज और शिमला मिर्च को छोटे छोटे साइज में काट लेंगे और इसको एक पैन में और थोड़ा सा ऑयल लेके प्याज और शिमला मिर्च को अच्छे से सॉटे कर लेंगे। मेरे क्या हो गया आज, हमको सॉटे कर लेंगे। और उसमें थोड़ा सा एक दो लहसुन भी डाल देंगे उसमें, लहसुन का टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर उसके बाद हम लोग जो प्याज कट किया है शिमला मिर्च कट किया उसको भी डाल देंगे। बहुत ईजी है ये चिकन सैंडविच और बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसमें कुछ कुछ मसाले भी जाएंगे जो आगे चल के मैं बताती हूँ क्या क्या मसाले हैं। और इसको लाइट गोल्डन होने तक हम लोग भुनेंगे, अच्छे से सॉटे करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और ब्लैक पेपर और रेड चिली पाउडर एंड थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग अच्छे से सबको सॉटे कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जो चिकन बॉईल करके रखा है उसको अच्छे से हम लोग अलग अलग कर लेंगे, रेशा रेशा कर लेंगे और इसमें चिकन डाल देंगे। अच्छा, जब आप चिकन को अच्छे से बॉईल करिएगा तो उसमें थोड़ा खड़ा गोल मिर्च एंड लहसुन डाल दीजिएगा, इससे टेस्ट और बढ़ जाता है, जायका अच्छा आता है। और फिर इसको अच्छे से मिला लीजिएगा वेजिटेबल्स में और जब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा तब इसमें मेयोनीज एंड और थोड़ा सा केचप भी डाल देंगे। थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा केचप डालिए क्योंकि लिए केचप सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चे लोग तो बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं, यहाँ तक कि अलग से सिर्फ केचप खाते हैं। और यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गया था क्योंकि
मैंने क्या किया था यहाँ पर, मेयोनीज थोड़ा सा कम डाल दिया था। तो उसके बाद मैंने अप्पी से और मम्मी से बहुत डांट सुना था, क्योंकि अप्पी और अम्मी बोल रही थी एक काम भी तुमसे ढंग से नहीं होता है। तो खैर कोई नहीं, कोई गल नहीं है, हम फिर से थोड़ा सा और मेयोनीज डाल दिया था। फिर हम इसको ब्रेड में अच्छे से फिल कर देंगे, खूब ज़्यादा करके चिकन डालेंगे क्योंकि चिकन सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है। जब इसको अच्छे से फिल कर देंगे फिर इसके ऊपर और एक ब्रेड रख देंगे, और ब्रेड के ऊपर अमूल बटर लगा दीजिएगा, क्योंकि अमूल बटर से खाने का जान और बढ़ जाता है और स्वादिष्ट हो जाता है। फिर इसी तरह से हम लोग सब ब्रेड में चिकन को फिल कर देंगे और उस सब में बटर लगा देंगे। आप चाहे तो कोई और बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को अमूल बटर पसंद है और सभी को अमूल बटर बहुत ज़्यादा पसंद होगा। फिर यहाँ पर अभी फ्रेंच फ्राइज़ बना रही थी, आज अफ्तार में कुछ था नहीं, फ्रेंच फ्राइज एंड सैंडविच और फ्रूट्स। और तो फिर हम लोग दस्तखान में बैठ चुके थे, और यहाँ मेरी छोटी पप्पू के घर से दही बड़ा आया था जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा अच्छा दही बड़ा था, बहुत मज़ा आ गया दही बड़ा खाकर। फिर यहाँ पर हम लोग अफ्तार के साथ ही साथ सैंडविच बना रहे थे, क्योंकि ठंडा सैंडविच उतना अच्छा नहीं लगता है, तो गरम गरम बनाओ और खाओ। और यहाँ पर इतना गरम था जब इसको कट कर रहे थे हम वीडियो बनाने के टाइम, तो अप्पी का हाथ जल गया था थोड़ा सा, हम कटिंग कर रहे थे अप्पी कट कर रही थी, हम वीडियो बना रहे थे, बहुत गर्म, जैसे निकाला वैसे ही अप्पी कट करने लगी इसीलिए। और साथ में थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज भी था, और सैंडविच और फ्रेंच फ्राइज का कॉम्बिनेशन दो माशाल्लाह। और यहाँ पर सबसे बड़ी मेहमान आज के चीफ गेस्ट तस्कीन और आयरा सैंडविच एंड फ्रेंच फ्राइज इंजॉय कर रही थी, और ये लोग को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया सैंडविच। और फिर इसके बाद हम लोग डिनर करने बैठ गए थे, और डिनर में बना था आज बिरयानी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।